हर टूटने वाला इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि तोड़ के छोड़ दिया जाए, इसलिए तोड़ा जाता है कि फिर से तामीर किया जाए। अल्लाह के फ़ैसलों की हिकमत लाजवाब हैं और पुरसकून लोग वही हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों पर खुशी से सर झुकाने वाले हैं। दूसरों की खुशियों का ज़रिया ज़रूर बने मगर अपनी खुशियाँ जहाँ तक हो सके रास रखें, क्योंकि नज़र बरहक है, ऊँट को हांडी में और बंदे को कब्र में पहुँचा देती है। किसी के मुस्कराते चेहरे के पीछे छुपे हसद और जलन को हम नहीं जान सकते। अपने दिल को मजबूत करें और हर एक से तवक्का रखना छोड़ दें कि वो आपकी बात को समझेगा। वैसे भी हर बात हर एक के लिए नहीं होती। ज़िंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके बेसहारा इंसानों की ज़िंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। इमाम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तस्बीह पढ़ना बेहतर है या इस्तग़फ़ार करना? उन्होंने फरमाया, मैले कपड़ों को खुशबू से ज़्यादा साबुन की ज़रूरत होती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। ज़िंदगी मोहब्बतों के लिए बहुत मुख्तसर सी है, लोग नफ़रतों के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के ख़त्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने के बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ एक चीज़ वापस ले ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। अपने माजी के पछतावों को कहीं दफन करके भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है, हाल में जीना शुरू करें और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हो झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर ताल्लुक में अदाकारी नहीं बल्कि वफादारी का मामला रखा जाए तो हर रिश्ता बहुत अनमोल हो जाएगा। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत कम कर दें। ज़िंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती बल्कि मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाए तो हराम हलाल जायज़ नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। दूसरों का बुरा वक्त दिलचस्प तमाशा हरगिज नहीं हो सकता एहसास रखने वालों के लिए। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिस्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। ये जो दिलों के रिश्ते होते हैं ना, ये जितने मजबूत होते हैं इतने ही नाजुक भी होते हैं। इन्हें कभी बड़ी से बड़ी बात हिला नहीं सकती और कभी एक छोटी सी बात तोड़ देती है। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। जितना लोग तंग दस्ती से डरते हैं इतना अगर वो दोजख से डरे तो बच जाएं, और जितना लोग जन्नत की फिक्र करते हैं अगर ईमान की करें तो दोनों को पा लें। सिर्फ हाथ ही नहीं अल्फाज भी सहारा बनते हैं, जहाँ हाथ ना पकड़ सकें वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयाकुन का मालिक है एक वही ये मुसीबत टाल सकता है। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो पहले वो अपना ही सोचता है। इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक वो जो मर गया, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। मिलजुल कर काम करें जब तक वो दो चिराग रोशन ना हो, एक चिराग के नीचे अंधेरा रहेगा। ज़िंदगी बहुत अजीब है, हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बग़ैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर
عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا نہ دل کی دنیا۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے، پوری دنیا کے لیے بھی اگر آپ عام سے ہو جائیں، لیکن کسی ایک کے لیے آپ پوری دنیا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نظر رکھا کریں ایسے دلوں پر جو آپ کی فکر کرتے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چلاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتے بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتے ہیں۔ وقت یا پیار دونوں کی ماں انسان کو بالکل بدل دیتی ہے، پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ رفاقتوں کا توازن اگر بگڑ جائے، خاموشیوں کے تعاون سے گھر چلا لینا، چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ ہم اگر چاہیں تو ایسے بہت سارے مواقع ہمیں مل سکتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی دوسرے کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین سم آمین۔